हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम आरोप है, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कैसे अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन के अंदर बिना रूट परमिशन के बगैर सैमसंग गैलेक्सी S10 की कैमरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। हाँ जी दोस्तों, हाउ टू इंस्टॉल सैमसंग गैलेक्सी S10 कैमरा एप्लीकेशन एनी एंड्रॉइड फोन। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा दीजिए। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाके आपको वहां से डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना होगा और किस तरह से इंस्टॉल करना होगा ये भी आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो सर्वप्रथम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको ओपन कर लीजिए। तो जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आपको क्रोम ब्राउजर से ओपन करना होगा। तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड के लिए रुकना होगा। ये प्रोसेस हो जाने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया, यहाँ पर कंटिन्यू पर टैप कीजिए। सो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको टैप करना होगा ओपन इन प्ले स्टोर, ठीक है दोस्तों। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। सो आपको अलग से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से और कोई भी अलग वेबसाइट से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सो क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, जो एप्लीकेशन है आपके फोन के ऊपर फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो आप देख पा रहे हो मेरे फोन के ऊपर मैं इस कैमरा एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। सो आपको दिखाता हूँ इसका यूजर इंटरफेस किस तरह से है। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से है। बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी S9 का कैमरा एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन भी मिल जा रहा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है एपर्चर्स के लिए। यहाँ पर आप अगर आप जूम करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से जूम भी कर सकते हो। जूम आउट के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्रंट कैमरा के लिए, यहाँ पर आपका है फ्लैश के लिए, उसके साथ साथ HDR मोड का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको प्रो मोड भी मिल जाता है। और प्रो मोड के अंदर आपको iOS का लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हो 1.6 तक। यहाँ पर आपको स्क्रीन स्टैंडर्ड मिल जाता है, अगर आप चाहो कोई इफेक्ट लगाना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर आपको वाइट बैलेंस के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर एक्सपोज है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है फोकस के लिए। यहाँ पर अगर आप चाहो तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो, फेस के ऊपर फोकस कर सकते हो। यहाँ पर आपको सीरीज मिल जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सीरीज के ऊपर। यहाँ पर आपको पिक्चर साइज के अंदर कुछ इस तरह से मिलता है 16:9, 4:3। उसके साथ साथ वीडियो के अंदर आप फुल HD तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये जो फोन है दोस्तों, रेडमी नोट 4 है, इसके अंदर 4K वीडियो का सपोर्ट दिया हुआ है। पर दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है बिना रूट के अंदर काम करता है, सो इसलिए 4K वीडियो रिकॉर्ड का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है बैक कैमरा के अंदर। यहाँ पर फ्रंट कैमरा से आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ फेस डिटेक्शन का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो डेट और टाइम को भी यहाँ पर लगा सकते हो। शटर साउंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फ्लोटिंग कैमरा बटन दिया हुआ है। न्यू फोटोज नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर टाइमर है, गाइड है, सो ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप चाहो तो आपका जो वॉल्यूम की कीज है उसके साथ भी आप पिक्चर को क्लिक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ब्यूटी के लिए बैक कैमरे के अंदर ब्यूटी मोड मिल जाता है। स्किन टोन का यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लाइव फिल्टर मिल जाती है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों स्टिकर के लिए, अगर आप चाहो कोई भी स्टिकर को ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों S9 की तरह यहाँ पर आपको पीछे भी स्टिकर मिल जाती है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप चाहो तो फ्लोटिंग बटन से क्लिक पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो। अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ, सो फ्रंट कैमरा के अंदर दोस्तों आपको ऊपर मिल जाता है प्रो मोड। सो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों प्रो मोड के अंदर। यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा के अंदर ब्यूटिफिकेशन मोड भी मिल जाता है। सर दोस्तों, फ्रंट कैमरा के अंदर आपको लाइव फिल्टर भी मिलता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा के अंदर स्टिकर का भी सपोर्ट है। ऊपर आपको मिल जा रहा है लाइट फ्लैश के लिए, अगर आपके फ़ोन के ऊपर फ्रंट कैमरा के अंदर फ्लैश नहीं है तो आपका स्क्रीन ब्राइट हो जाता है पिक्चर टेक करने के दौरान। सो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। ये जो फोन कैमरा एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और S9 की कैमरा एप्लीकेशन की फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ से स्टिकर को डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिए आपके फ़ोन के ऊपर नेट कनेक्शन होने की ज़रूरत होगी। सो अगर आप चाहो तो इस कैमरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। S9 का यूज़र इंटरफेस है और काफ़ी ज़्यादा कैमरा एप्लीकेशन है। कुछ कैमरा सैंपल मैं इस एप्लीकेशन के साथ लिया हूँ, सो आपको जल्दी से दिखा दे रहा हूँ।
एनी दोस्त, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है सैमसंग गैलेक्सी S9 के कैमरा के बारे में, तो इस वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कर देना। उसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।